हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौरभ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, क्योंकि अंडा खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अंडे को लेकर लोगों के मन में लंबे समय से एक सवाल है कि अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें अंडा खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपकी इस दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब इस बड़े सवाल का जवाब खोज लिया है। कुछ लोग मानते हैं कि अंडे को मुर्गी देती है, इसीलिए वह मांसाहारी है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका जवाब खोज लिया है। इसको साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है, लेकिन कई लोग इस थ्योरी को गलत मानते हैं। पॉइंट नंबर वन, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। शाकाहारी लोगों का मानना है कि मुर्गी अंडा देती है, इसीलिए यह नॉनवेज हुआ। इसको गलत बताने के लिए वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि दूध भी तो जानवर से ही निकलता है, तो दूध कैसे शाकाहारी हो गया। कई लोग मानते हैं कि मुर्गी जो अंडा देती है उससे चूजा निकलता है, इसी वजह से यह मांसाहारी हुआ। लेकिन बाजार में जो अंडे मिलते हैं वो सभी अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, दरअसल इन अंडों से चूजे नहीं निकलते हैं। लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब साइंस के माध्यम से खोजने की कोशिश की है। अगर लोग इस तर्क को मान लेते हैं कि बाजार में जो अंडे मिलते हैं वो सभी अनफर्टिलाइज रहते हैं, तो अंडा शाकाहारी हुआ। अंडे के अंदर तीन परत होती है, पहली परत छिलके की होती है, दूसरी परत सफेदी की और तीसरी परत अंडे की जर्दी जो कि पीले रंग की होती है। पॉइंट नंबर टू, अंडा कब पनपता है। अंडे पर एक शोध किया गया है जिसके मुताबिक इसकी सफेदी में प्रोटीन पाया जाता है जिसमें जानवर का कोई हिस्सा शामिल नहीं होता है। इसीलिए तकनीकी रूप से देखा जाए तो एग व्हाइट यानी सफेदी शाकाहारी होती है। जिस तरह एग व्हाइट में प्रोटीन होती है उसी प्रकार जर्दी में भी प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट भी पाया जाता है। जब मुर्गी और मुर्गा दोनों संपर्क में आते हैं तो अंडा पनपता है। इसमें गैमेट सेल्स पाया जाता है जो अंडे को मांसाहारी बना देता है, लेकिन बाजार में मिलने वाले अंडे में ऐसा नहीं होता है। नंबर थ्री, मुर्गी अंडे देने कब शुरू करती है। मुर्गियां 6 महीने होने के बाद अंडा देने शुरू कर देती है और 1 या 1.5 दिन में अंडे देती है। जो मुर्गियां बिना मुर्गे के संपर्क में आए अंडे देती हैं उन्हें अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इन अंडों से चूजे नहीं निकल सकते हैं, इसलिए बाजार में जो अंडे मिलते हैं उसे शाकाहारी कैटेगरी में रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर फोर, शाकाहारी अंडे की पहचान कैसे करें। शाकाहारी या मांसाहारी अंडे की पहचान करने के लिए सबसे पहले अंडे को खांचे में भरकर उसके नीचे बल्ब जलाई जाती है। जिस अंडे से रोशनी आर पार हो जाती है वो अंडा शाकाहारी है, वही मांसाहारी अंडों से लाइट आर पार नहीं होती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कौन सा अंडा शाकाहारी है और कौन सा अंडा मांसाहारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।